जय प्रियरा महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पुण्यरा महादेव शिव जी के मंदिर में पधारे हुए हैं। आज आपको शिव जी के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ पे हमारे कल्पेश्वर मेंदोली जी जो गाने की शूटिंग भी कर रहे हैं और हमारे हीरा भाई जी हमारे साथ में हैं और मैं हरी जोशी। तो आपको आज पुण्यरा महादेव के दर्शन कराएंगे और पुण्यरा महादेव को बहुत अच्छी इनकी महत्व है यहाँ पे, आप लोग भी आए दर्शन करें। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू मेरे शिव भक्तों। यहाँ पे हम पुण्यरा शिव मंदिर पे हैं अभी और ये आप देख लेंगे अंदर शिवालय है। यहाँ पे शिव जी का लिंक है और यहाँ पे हमारे छोटा सा भक्त शिव जी के यहाँ पे दीपक जलाते हुए, अगरबत्ती जलाते हुए। और यहाँ पे दो मंदिर और हैं, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। ये विकास नगर घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पे तेल लोड़ते हैं और काफ़ी अच्छा महत्व इस मंदिर का है। आगे हम आपको दूसरा मंदिर की और दर्शन कराने ले चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु और प्रकृति का नज़ारा तो आप देख रहे होंगे, इतना सुंदर है यहाँ से फिर जाने का मन ही नहीं करता है। प्यारे भक्तों, आप लोग भी जरूर आएं और यहाँ मंदिर के दर्शन करें और यहाँ की जो प्रकृति है उसका भी आनंद लें। ये आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे भूमियाल देवता है। हमारे पहाड़ में जो भूमि की रक्षा करता है वही हमारे भूमियाल देवता है और हमारे कल्पेश्वर जी भूमियाल जी से आशीर्वाद ले रहे हैं अभी। और यहाँ से आगे आपको माँ भगवती के दर्शन भी कराते हैं आपको, आप आइए हमारे साथ। ये सामने आपको दिख रहा होगा माँ भगवती का मंदिर है। नौ देवियों में से एक देवी हमारे यहाँ पे विराजमान होती है और ये माँ भगवती का प्राचीन मंदिर जो काफी दशकों पुराना है। और हमारे भक्त यहाँ पे हर सोमवार को आते हैं और माँ भगवती शिव जी से, भूमियाल जी से अपना आशीर्वाद लेते हैं। ये भगवान जी को हमारे कल्पेश्वर जी भेंट चढ़ा रहे हैं अभी। ये सामने देख रहे होंगे आप चूड़ी मुनड़ी, आपको दिख रहा होगा ये माता जी के श्रृंगार के लिए चढ़ाया जाता है ताकि माता इसे श्रृंगार करे और इसका बहुत महत्व है। आपको एक अहम नदी आपको दिखाने जा रहे हैं, बरसात हो या कोई भी मौसम हो इस नदी का पानी कभी गंदा नहीं होता है, यह हमेशा स्वच्छ निर्मल बहती रहती है। और इस गंगा जी का आप दर्शन कर सकते हैं, इसका पानी कभी भी गंदा नहीं होता है और ये शुद्ध जल पीने योग्य हमारे पहाड़ में चल रहा है। तो मेरे शिव भक्तों, आप लोग जरूर आए और यहाँ पे शिव जी के दर्शन के साथ साथ नदी के दर्शन और यहाँ की जो प्रकृति है, जो सुंदरता है यहाँ की, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तमाम जड़ी बूटियाँ, तमाम फल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, आप उन सबका लुत्फ ले सकते हैं।